कंचन पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना यक्षिणी, मैं तुझे मार दूंगी। जादूगरनियों के जादू के आगे किसी का जादू नहीं चलता। आज की रात तेरी आखिरी रात है। यक्षिणी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो पहली बार अपने आप को निर्बल महसूस कर रही थी। कंचन आसमान की ओर देखती है कि चांद कहां पर है। वो फिर कहती है, 3 बजने में अभी भी वक्त है, उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी, पहले थोड़ा तड़पा तो लूं। इतना कहकर कंचन लगातार यक्षिणी के बदन पर कोड़े बरसाने लग जाती है और यक्षिणी दर्द से कराहती रहती है। यक्षिणी को मारते मारते जब कंचन का मन भर जाता है तो कंचन वो कमल का फूल जिसमें उसने यक्षिणी का बाल बांधा था, उस कमल के फूल को वापस से खोपड़ी के अंदर रख देती है। कंचन खोपड़ी के सामने बैठ जाती है। कंचन यक्षिणी को देखते हुए कहती है, अब होगी मृत्यु साधना और जैसे ही ये खोपड़ी फूटेगी उसी के साथ तेरा भी अंत हो जाएगा यक्षिणी। पहली बार यक्षिणी की आंखों में किसी के लिए डर था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कंचन जहां पर साधना कर रही थी वहीं सूखी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें ऐसे जमाया गया था जैसे मृत्यु शैया को बनाया जाता है। कंचन आंखें बंद करके लगातार मंत्र पढ़ने लग जाती है। मंत्रों की आवाज घाट पर गूंजने लग गई थी। घाट के ऊपर काले बादल छाने लग गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल काली शक्ति हो जिसे कंचन ने अपनी साधना करके वहां पर बुलाया था। किश्नोई नदी का पानी ठहर सा गया था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, जैसे वक्त थम सा गया हो। कुछ ही देर बाद रोंकामुचा घाट पर एक औरत की चीख सुनाई देती है, नहीं। औरत की चीख के साथ ही घाट के ऊपर आग की लपटे उड़ने लग जाती है। वो आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटे ऊपर तक जा रही थी। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था जो आसमान में मंडरा रहे काले बादलों से जाकर मिल रहा था। रात होने की वजह से धुएं और बादल में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। सुबह हो गई थी और अभिमन्यु, कायर और कछुआ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहे थे। तीनों ही हड़बड़ी में लग रहे थे। कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यार मैंने बोला था युग को रात में ही फोन करके बता दो कि तुम दोनों मेरे साथ रुकने वाले हो, तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं। कायर भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जवाब देता है, यार हर बार हम ही फोन क्यों करें, उसे भी तो हमारी फिक्र होनी चाहिए ना। देखा ना तूने, एक कॉल तक नहीं किया उसने। पता नहीं उसको आजकल क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा करने लग गया है। अभिमन्यु भी कायर का साथ देते हुए कहता है, सही कह रहा है ये कायर, अगर वो हमारी फिक्र नहीं करता तो हम उसकी क्यों करें। अब दोस्ती निभाने का ठेका हम दोनों ने थोड़ी ले रखा है, उसे भी तो निभाना चाहिए। कछुआ झट से कहता है, यार मैं समझ रहा हूँ तुम दोनों के कहने का मतलब, पर देख रहे हो ना अब युग का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा, ऊपर से तुम दोनों उसे ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला छोड़कर आ गए हो। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, यार कछुए मैं कल रात से देख रहा हूँ तू यही बात लेकर बैठा है, अगर युग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले रुका है तो प्रॉब्लम क्या है, तू डर क्यों रहा है उसके वहां पर रुकने से। कछुआ घबराते हुए कहता है, डरने वाली बात तो है ही ना, भूल गए वो वही ग्रेवयार्ड कोठी है जहां पर उस यक्षिणी ने युग के पापा को अपना शिकार बनाया था, उनकी लाश तक किसी को नहीं मिली थी। अगर उस यक्षिणी ने युग को भी अपना शिकार बना लिया तो वैसे ही अब तो वो किसी भी दिन किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर दोनों ही चुप बैठ जाते हैं क्योंकि एक हद तक उसकी बातें काफी सही थी। कछुए का युग को लेकर घबराना लाजमी था। अभिमन्यु और कायर और फुर्ती के साथ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो तीनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। कायर ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार ये युग कितना लापरवाह हो गया है, दरवाजा खुला छोड़कर ही सो गया। कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम रखते हुए कहता है, अब यक्षिणी के साथ रहेगा तो दरवाजा खुला करके ही सोएगा ना, यहाँ पर थोड़ी कोई चोर चोरी करने आएगा। अभिमन्यु युग को पुकारते हुए कहता है, युग, ओ युग कहाँ पर है तू। युग का कुछ जवाब नहीं आता है। कायर हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहता है, शायद अपने कमरे में सो रहा होगा, तभी जवाब नहीं दे रहा। कायर के इतना कहते ही अभिमन्यु और कछुआ जल्दी जल्दी अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। पर जब वो युग के कमरे में पहुंचते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कमरे के अंदर युग कहीं नहीं था। अभिमन्यु युग को वॉशरूम के अंदर ढूंढते हुए कहता है, यार ये युग तो वॉशरूम के अंदर भी नहीं है। कछुआ घबराते हुए कहता है, हो गई गड़बड़, मैंने कहा था ना तुमसे युग को अकेले मत छोड़ना, कहीं यक्षिणी ने कल रात उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। अभिमन्यु कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तो 2 मिनट अपना मुंह बंद रखेगा कछुआ, जब भी मुंह खोलता है मनहूसियत ही फैलाता है, ये भी तो हो सकता है युग सुबह सुबह कहीं चले गया हो।
अभिमन्यु और कछुआ आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी कायर की नजर टेबल पर रखे युग के मोबाइल पर पड़ती है। कायर युग का मोबाइल उठाते हुए कहता है, ये तो युग का मोबाइल है और ये तो डेड पड़ा हुआ है। युग तो अपना मोबाइल लिए बिना कहीं नहीं जाता है, फिर वो चले कहाँ गया? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि युग सुबह सुबह कहाँ जा सकता था। कमरे के अंदर अचानक खामोशी छा गई थी। तीनों के चेहरे पर युग को लेकर डर था कि कहीं उसे यक्षिणी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार युग का मोबाइल यहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं गया ही ना हो, यहीं पर हो। हमने उसे बस अभी उसके कमरे में तो ढूंढा है, बाकी के कमरे में कहाँ देखा? कायर कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चल जल्दी फिर उसे ढूंढते हैं। कायर और अभिमन्यु जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलने लग जाते हैं, पर कछुआ बहुत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी भी यही डर था कि कहीं यक्षिणी ने युग के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वो तीनों अभी कमरे से बाहर ही निकले थे कि तभी कछुए की नजर रूम नंबर 666 पर पड़ती है, जिसका दरवाजा खुला था लेकिन टिका हुआ था। वो देखता है कि रूम नंबर 666 के दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, इस कमरे के नीचे से रोशनी कैसे आ सकती है, इस कमरे के अंदर तो लाइट ही नहीं रहती कभी। कछुआ धीरे धीरे रूम नंबर 666 के दरवाजे के पास जाता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, कछुआ तू वहां पर खड़ा क्यों हो गया, नीचे चल ना। कछुआ कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे तो ये देखना था कि रूम नंबर 666 के अंदर क्या था। कछुआ नीचे झुकने लग जाता है। कायर अभिमन्यु से कहता है, यार अभिमन्यु देखना ये कछुआ क्या कर रहा है। जब कछुआ नीचे झुकता है और दरवाजे के नीचे देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कछुआ अपनी सुध-बुध खो बैठता है। वो देखता है कि कमरे के अंदर युग फर्श पर बेहोश था और उसके आसपास एक काला साया मंडरा रहा था। उस काले साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युग के अंदर समाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कछुए के हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं और वो चीखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आह! कछुए को चीखता हुआ देख अभिमन्यु और कायर जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक साथ पूछते हैं, क्या हुआ कछुए, तू चीखा क्यों? कछुआ इतना डर गया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु कछुए की पीठ सहलाते हुए कहता है, कछुए घबरा मत और बता क्या हुआ। कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो कमरे के अंदर युग है और उसके आसपास एक काला साया मंडरा रहा है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या? कछुआ अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार। कछुए को घबराता हुआ देख कायर भी घबरा जाता है। अभिमन्यु बड़ी ही बहादुरी के साथ नीचे झुकता है तो देखता है कि कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, कछुए तू पागल है क्या, ये कोई मजाक का वक्त है क्या, अंदर अंधेरा है और कुछ नहीं। कछुआ अभिमन्यु को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए कहता है, नहीं यार मैं क्यों मजाक करूंगा, सच में कमरे के अंदर युग बेहोश पड़ा है और लाइट भी चल रही है। कछुए के कहने पर कायर भी नीचे झुककर कमरे के अंदर देखता है पर उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। कायर भी कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, यार कछुए हर चीज का वक्त होता है, हर वक्त मजाक ठीक नहीं लगता है। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, इन्हें युग दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। यही सोचकर कछुआ एक और बार नीचे झुककर कमरे के अंदर देखने लग जाता है पर उसे फिर युग दिखाई देता है जिसके पास अभी भी एक काला साया मंडरा रहा था। कछुआ घबराते हुए कायर और अभिमन्यु से कहता है, यार तुम दोनों मेरी बात का यकीन करो, युग सच में अंदर ही है, माँ कसम। अभिमन्यु और कायर समझ जाते हैं कि कछुआ कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा, इसलिए वो दोनों एक बार फिर नीचे झुकने लग जाते हैं, पर इस बार भी उन्हें सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता है। कायर कछुए पर भिन्नाते हुए कहता है, हद होती है यार कछुए झूठ बोलने की भी, अब तू मजाक के लिए आंटी जी की भी झूठी कसम खाने लग गया, तुझे कहां अंदर युग दिखाई दे रहा है। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी युग की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, यामिनी यामिनी यामिनी। अभिमन्यु युग की आवाज सुनते हुए कहता है, यार ये तो युग की आवाज है और ये तो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि युग इसी कमरे के अंदर है। कछुआ कहता है, देखा तुमने मैं कह रहा था ना युग इसी कमरे में है, पर तुम दोनों की मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे हो। कायर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, पर ये युग रूम नंबर 666 के अंदर क्यों गया, ये जानते हुए भी कि इस कमरे के अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अभिमन्यु दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले मेरी दरवाजा खोलने में मदद करो, ये खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे लगाया युग ने इसे अंदर से।
कायर और कछुआ भी अभिमन्यु की दरवाजा खोलने में मदद करने लग जाते हैं, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उन तीनों ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी दरवाजा खोलने में नाकामयाब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर से बंद कर दिया था। युग की फुसफुसाने की आवाज तेज हो गई थी, यामिनी यामिनी यामिनी, कछुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, यार ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। अभिमन्यु भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं यार क्यों नहीं खुल रहा, लगता है अंदर से जाम हो गया है। वो तीनों ही काफी देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं खोल पा रहे थे। ना जाने कायर के मन में क्या आता है, वो दरवाजा खोलने की कोशिश छोड़ देता है। वो सीधा खड़ा होता है और अपनी जेब में से छोटी सी पानी की कांच की बोतल निकालता है, उसकी कुछ बूंदे अपने हाथ में लेता है और मन ही मन कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाते हुए उन पानी की बूंदों को दरवाजे पर छिड़क देता है। जैसे ही वो बूंदे दरवाजे पर गिरती हैं, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, ये क्या किया तूने? कायर कुछ जवाब नहीं देता है। जब दरवाजा खुलता है तो अभिमन्यु देखता है कि कमरे की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी, इसी वजह से युग कछुए को दिखाई दे रहा था और अभिमन्यु और कायर को नहीं। युग अभी भी यामिनी का नाम बड़बड़ाते जा रहा था, यामिनी यामिनी यामिनी। अभिमन्यु घबराते हुए युग को हिलाते हुए कहता है, युग तू ठीक तो है, ये क्या हुआ तुझे? युग बेहोशी में था, कुछ जवाब नहीं दे रहा था। कमरे की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, युग को यहाँ से ले चलते हैं, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। कायर और कछुआ मिलकर युग को उठाने लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु की नजर युग की माँ की पेंटिंग पर पड़ती है जिसके ऊपर युग सिर रखकर बेहोश पड़ा हुआ था। अभिमन्यु उस पेंटिंग की तरफ खींचा चले जा रहा था। उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो उस पेंटिंग को उठा लेता है और युग के साथ कमरे से बाहर ले आता है। इस तरफ सुदेश और दिलीप रोंकामुचा घाट की तरफ जा रहे थे। दोनों ही काफी डरे हुए थे। उन दोनों के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों रात भर सो नहीं पाए थे। यही सोच रहे थे कि कंचन यक्षिणी को मार पाई होगी या नहीं, या फिर यक्षिणी ने कंचन को मार दिया होगा। यही देखने वो दोनों रोंकामुचा घाट जा रहे थे। सुदेश अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, जीजा जी मुझे तो लगता है कंचन ने यक्षिणी को मार दिया होगा। दिलीप आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर कंचन ने यक्षिणी को मार दिया तो वो हवेली वापस लौट कर क्यों नहीं आई? सुदेश हिचकिचाहट के साथ कहता है, जीजा जी हो सकता है कंचन रात भर इसलिए हवेली नहीं आई, वो यक्षिणी की मौत का जश्न बना रही हो घाट पर। दिलीप सुदेश की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, उसे तो जल्द से जल्द रोंकामुचा घाट पहुंचना था। जब वो दोनों रोंकामुचा घाट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घाट पर एक चिता जल चुकी थी जिसके अंगारे अभी भी गर्म थे। उस चिता को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए थे। सुदेश पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, ये किसकी चिता है, यक्षिणी की या कंचन की? दिलीप तो उस चिता को देखकर इतना घबरा गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे उस चिता में अपनी चिता नजर आने लग गई थी। उसे वहम होने लग जाता है जैसे यक्षिणी ने उसे चिता के ऊपर बांध कर रखा हो और वो उसे आग लगा रही हो। नहीं नहीं, मत जलाओ, मुझे मत मारो, दिलीप यक्षिणी को रोकते हुए कह रहा था। सुदेश दिलीप को उस वहम से बाहर निकालते हुए कहता है, क्या हुआ जीजा, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, आप ठीक तो हैं? दिलीप अपने वहम से बाहर आ जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। रेत पर ही एक लंबी सी लकड़ी रखी हुई थी। सुदेश उसे उठा लेता है और चिता के पास जाकर राख को हटाने लग जाता है। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू? सुदेश लकड़ी से अंगारों को हटाते हुए कहता है, जीजा जी पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये चिता किसकी है, कंचन की या यक्षिणी की? दिलीप अपने आसपास कंचन को ढूंढने लग जाता है पर उसे कंचन कहीं नजर नहीं आती है। रोंकामुचा घाट पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। वो समझ गया था कि यक्षिणी के डर से गांव वालों ने अब दिन में भी घाट पर आना बंद कर दिया था, क्योंकि यक्षिणी अब कभी भी शिकार कर देती थी। सुदेश लकड़ी से राख और अंगारों को हटा ही रहा था कि तभी उसे एक हाथ की हड्डी नजर आती है। सुदेश उस हड्डी को चिता में से बाहर खींच लेता है। दिलीप की जब उस हड्डी पर नजर पड़ती है तो खुश होते हुए कहता है, ये क्या हाथ की हड्डी, इसका मतलब कंचन ने उस यक्षिणी को मार दिया। दिलीप खुश होने लग जाता है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जब सुदेश उस हड्डी को गौर से देखता है तो मायूसी के साथ कहता है, जीजा जी कंचन ने यक्षिणी को नहीं मारा है, बल्कि यक्षिणी ने कंचन को मारा है,
ये कंचन का हाथ है, दिलीप बिचकते हुए कहता है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये कंचन का हाथ है, यक्षिणी का नहीं? सुदेश लकड़ी से हड्डी की हथेली की तरफ इशारा करते हुए कहता है। इसके हाथ की हथेली को गौर से देखिए, इसके हाथ पर अंगूठा नहीं है। और आपको भी पता है, मायाधरी और उसकी सेविका के हाथों और पैरों के अंगूठे नहीं होते हैं, क्योंकि यही जादूगरनी की पहचान होती है। जैसे ही सुदेश ये बात बोलता है, दिलीप के चेहरे पर जितनी हंसी थी सब एक ही पल में गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर डर वापस से आ जाता है। जब सुदेश उस चिता में और अंगारों को हटाता है तो उसे कंचन का एक हाथ और दो पैर की हड्डियां और मिल जाती है। उन हाथ पैरों के अंगूठे भी गायब थे। अब वो दोनों कंफर्म हो गए थे कि वो चिता और किसी की नहीं बल्कि कंचन की ही थी। उन दोनों को बस कंचन के हाथ पैर की ही हड्डियां मिली थी और कुछ नहीं मिला था, उसका सिर तक नहीं। सुदेश कंचन के हाथ पैरों की हड्डियां देखते हुए कहता है, उस यक्षिणी ने कंचन को भी मार दिया, वो बहुत शक्तिशाली निकली जीजाजी। अच्छा हुआ हम दोनों कल रात भाग गए, वरना वो यक्षिणी हम दोनों को भी मार देती। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, मैंने बोला था तुझे इस कंचन से कुछ नहीं होने वाला। उस यक्षिणी का कोई कुछ कर सकता है तो वो मायाधरी ही कर सकती है। सुदेश तू अभी जा और जल्द से जल्द मायाधरी को लेकर आ, और इस बार खाली हाथ मत लौटना। अगर वो नहीं आई तो गांव को शमशान बनाने में देर नहीं लगेगी। वो यक्षिणी एक एक करके सारे मर्दों का सफाया कर देगी, और हो सकता है उसका अगला नंबर हम दोनों में से ही कोई एक हो। सुदेश डरते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी मैं अभी निकल जाता हूँ, इस बार मैं मायाधरी को लेकर ही आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आंखें तक उसे क्यों ना देनी पड़े। मैं आंखों के बिना भी जी सकता हूँ, पर अपनी पत्नी रजनी के बिना नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बिना कैसे रहेगी। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और काफी टेंशन में लग रही थी। उसके माथे पर आई लकीरों से ये बात साफ बता रही थी कि उससे अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ था। वो काफी उलझी हुई लग रही थी। वर्चस्विनी के टेबल पर ही वो ताज रखा हुआ था जो उसे हरिया के पास से मिला था। वर्चस्विनी अपने मोबाइल में उस ताज के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, पर अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। वर्चस्विनी अपने मोबाइल में सर्च ही कर रही थी कि तभी वहां पर चार्ली आ जाता है। चार्ली भी काफी थका हुआ लग रहा था, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जैसे ही चार्ली वहां पर आता है, वर्चस्विनी उससे पूछती है, उन तीनों ने मुंह खोला? चार्ली उदासी के साथ जवाब देता है, मैडम जी मुंह तो खोला इन तीनों ने, पर एक ही रट लगाए हुए है कि उन्होंने रतनपाली का खून नहीं किया है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल अपने टेबल पर रखते हुए कहती है, थर्ड डिग्री दी थी मैंने जैसा बोला था। चार्ली पानी पीते हुए कहता है, वो भी दे चुका हूँ मैडम जी, पर हरिया सुधा और धनिया तीनों का यही कहना था कि वो भले ही रतनपाली को धोखा दे रहे थे पर उसे मार नहीं सकते थे। एक और बात आपको पता है, जब धनिया को पता चला था कि हरिया उसे छोड़कर सुधा के साथ भाग गया था तो उसने तो वहीं पर उसे तमाचे मारने शुरू कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से बचाया था उसे, वरना वो तो उसे वहीं पर मार देती। वर्चस्विनी पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तीनों सच बोल रहे हैं? चार्ली धीरे से कहता है, इतनी मार खाने के बाद भला कौन झूठ बोलेगा मैडम जी। मैं ना आपको शॉर्ट में बताता हूँ सब। ये हरिया और धनिया एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए धनिया ने रतनपाली से प्यार करने का नाटक किया ताकि रतनपाली धनिया को उस तिजोरी का पता बता दे जहां पर उसने अपना पूरा पैसा छिपाकर रखा था। पर इसी बीच हरिया का सुधा के साथ चक्कर चल गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। जैसे ही हरिया को तिजोरी का पता चला, वो सुधा के साथ फरार हो गया। पर इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी रात रतनपाली का खून हो गया और इल्जाम इन पर आ गया। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम्हारी बातों से ये बात साफ समझ आ रही है कि तुम इन तीनों को बेकसूर मानते हो, तो तुम ही बता दो कि रतनपाली का खून किसने किया। चार्ली हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहता है, और कौन करेगा मैडम जी उस यक्षिणी के सिवा, उसी ने रतनपाली को अपना शिकार बनाया है, वरना आप ही बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों कुछ पता नहीं चला। पहले तो चार्ली का सवाल सुनकर वर्चस्विनी चुप बैठती है, पर कुछ ही देर बाद उस पर अपना रौब जमाने के लिए गुस्से के साथ कहती है,
चार्ली, तुम हमेशा बीच में यक्षिणी को क्यों ले आते हो? कभी नॉर्मल नहीं सोच सकते क्या? वर्चस्विनी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके टेबल पर रखे ताज पर पड़ती है। वो देखती है कि उस ताज के बीचों बीच की गोल जगह जो खाली थी, वहां पर एक छोटी कलाकृति बनी हुई थी। उसमें छोटी छोटी सफेद बारीक लकीरें बनी हुई थी। वर्चस्विनी उस ताज को उठाती है और अपनी आंखों के एक कदम नजदीक लाकर देखने लग जाती है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैडम जी को क्या हो गया है? ये ताज को ऐसे क्यों देख रही है? कहीं इन्हें ताज पसंद तो नहीं आ गया और ये इसे अपने घर ले जाने का तो नहीं सोच रही? वर्चस्विनी ताज को देखते हुए कहती है, चार्ली जरा मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास देना। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास? पर क्यों मैडम जी, आप उसका क्या करेगी? वर्चस्विनी चार्ली पर बिगड़ते हुए कहती है, चार्ली पहले जो मैंने मांगा है वो दो, सवाल बाद में पूछना। चार्ली झट से वर्चस्विनी को मैग्नीफाइंग ग्लास लाकर देता है। वर्चस्विनी उस मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से ताज को देखने लग जाती है। चार्ली के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी उस ताज में इतने गौर से क्या देख रही थी। वर्चस्विनी ताज को गौर से देखते हुए कहती है, चार्ली जरा मुझे रतनपाली की फाइल दिखाना। चार्ली जानता था अगर उसने कुछ भी पूछा तो वर्चस्विनी फिर उस पर गुस्सा करेगी, इसलिए बिना कोई सवाल किए चार्ली रैक पर से रतनपाली के केस की फाइल ढूंढता है, वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी उस फाइल के पेजेस को पलटाने लग जाती है। उसमें से वो अजीब सी कलाकृति वाला फोटो निकालती है जो मोहित और रतनपाली की लाश के पास बनी हुई थी, और बारी बारी से ताज और फोटो में देखने लग जाती है। चार्ली बड़बड़ाता है, ये मैडम जी करना क्या चाहती है? वर्चस्वी ताज को देखते हुए कहती है, हाउ इट्स पॉसिबल? चार्ली गहरी सांस लेकर कहता है, क्या हुआ मैडम जी? वर्चस्विनी ताज और मैग्नीफाइंग ग्लास चार्ली को देते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इस ताज की जो जगह खाली है उसमें वही कलाकृति बनी हुई है जो रतन पाली और मोहित के लाश के पास बनी हुई थी। जब चार्ली ताज और फोटो पर बनी कलाकृति को देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है, दोनों ही कलाकृति सेम बनी हुई थी। चार्ली ताज पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ मैडम जी कि ये ताज यक्षिणी का है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या तुम कैसे कह सकते हो चार्ली कि ये ताज यक्षिणी का है? चार्ली वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैडम जी आपने नोटिस नहीं किया क्या कि मोहित और रतन पाली दोनों के खून के पास ये कलाकृति बनी हुई थी, और उन दोनों का खून तो यक्षिणी ने ही किया है। इस ताज पर भी वही कलाकृति बनी है, तो उस हिसाब से हुआ ना ये दक्षिणी का ताज। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, चार्ली तुम फिर यक्षिणी यक्षिणी करने लग गए। चार्ली वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, नहीं मैडम जी मैं सच कहता हूँ, ये यक्षिणी का ताज है, आपने उसके ताज की कहानी नहीं सुनी क्या? वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, यक्षिणी के ताज की कौन सी कहानी है? चार्ली वर्चस्विनी को यक्षिणी के ताज की कहानी सुनाते हुए कहता है, मैडम जी आपको सुबाहु राक्षस के बारे में तो पता ही होगा। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली वर्चस्विनी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे सुबाहु राक्षस के बारे में कुछ नहीं पता था। चार्ली वर्चस्विनी को सुबाहु राक्षस के बारे में बताते हुए कहता है, मैडम जी ये जो सुबाहु था ये ताड़का राक्षसी का बेटा था। अब आपको तो ये भी पता नहीं होगा ये ताड़का कौन थी, तो मैं बताता हूँ, ताड़का जो थी सुकेतु की बेटी थी जो कि एक यक्ष थे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, यक्ष थे मतलब? चार्ली वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, मैडम जी जिस तरह यक्षिणी होती है उस तरह यक्ष भी होते हैं। ये लोग यक्षिण लोक में रहा करते हैं जिनके पास कोई दैवीय शक्तियां होती है, और वो लोगों की मदद करते थे। वर्चस्विनी आशंका के साथ पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चार्ली? चार्ली अपने शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कहता है, मैडम जी आप शायद भूल रही है, मैं इसी गांव का हूँ और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो किसी को नहीं पता है। वो क्या है ना, बचपन में मैं सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठता था, तो उन्हीं से मुझे इन कहानियों का पता चला है। वर्चस्विनी चार्ली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और सवाल ही घूम रहे थे। वर्चस्विनी पूछती है, तुमने कहा था
कि ताड़का राक्षसी थी, पर वो तो यक्ष की बेटी थी, तो फिर राक्षसी कैसे बन गई? चार्ली झट से कहता है, वही तो बता रहा हूँ मैडम जी, इस ताड़का ने सुंद नाम के राक्षस से शादी करी थी, इसलिए ये राक्षसी बन गई थी। इसके दो पुत्र थे, पहला सुबाहु, दूसरा मारिच। कहते हैं कि अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण ताड़का का सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। चार्ली गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, जब सुबाहु को पता चला कि उसकी माँ यक्ष की बेटी थी, तो उसने यक्षिण लोक पर कब्जा करने की ठानी। उसके अंदर कुछ शक्तियां यक्ष की भी थी, इसलिए उसने आसानी से यक्षिण लोक पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। सारे यक्ष उसकी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ गए थे, कोई उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। वर्चस्विनी गौर से सुनते हुए कहती है, फिर क्या हुआ? चार्ली फटाक से जवाब देता है, होना क्या था मैडम जी, जहां पर पुरुष कमजोर पड़ जाते हैं वहां पर स्त्रियां सदैव उन्हें बचाने आ जाती है। यक्ष और यक्षिणियां भगवान शिव के उपासक थे, वो दिन रात उन्हीं की पूजा करते थे। कहते हैं उस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी ने भगवान शिव की साधना करी थी, दिन रात शिव भगवान को प्रसन्न करने में लगा दी थी। वर्चस्विनी पूछती है, फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए? चार्ली अपनी भावें ऊपर नीचे करते हुए कहता है, कैसे नहीं होती मैडम जी, भगवान शिव की जो सच्चे मन से साधना करता है उनसे वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। जब भगवान शिव यक्षिणी से प्रसन्न हुए तो तब भगवान शिव ने यक्षिणी को एक ताज दिया, जो ताज यक्षिणियों के लिए हथियार का काम करने लगा। कहते हैं उस ताज में जो लाल हीरा लगा था उसमें भगवान शिव की तीसरी आंख में जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति थी, उसमें सारे ब्रह्मांड नष्ट करने की ताकत थी। उसी की मदद से यक्षिणी ने राक्षस को वहां से भगा मारा था। तब से ही यक्षिण लोक में यक्षिणियों का वर्चस्व बढ़ गया था। एक वक्त के लिए वर्चस्विनी खामोश हो गई थी, उसे चार्ली की बात पर विश्वास हो गया था, पर वो जानती थी अगर उसने चार्ली की बात पर विश्वास किया तो इससे उसका और आत्मबल बढ़ेगा और ये साबित करने पर तुल जाएगा कि यक्षिणी ने ही सबका खून किया है। वर्चस्विनी नहीं चाहती थी ऐसा हो, इसलिए वो जानबूझकर चिढ़ते हुए कहती है, तो तुम कहना चाहते हो चार्ली कि ये ताज यक्षिणी का ताज है? चार्ली खुश होते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल ठीक समझी, मैं यही कहना चाहता हूँ। वर्चस्विनी चार्ली पर बिगड़ते हुए कहती है, चार्ली कोर्ट में कहानियां नहीं सबूत चलते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये यक्षिणी का ताज है? चार्ली धीरे से हिचकिचाते हुए कहता है, सबूत तो नहीं है मैडम जी। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, नहीं है ना सबूत, तो अपनी फालतू कहानियां सुनाना बंद करो। जब देखो मेरा ध्यान भटकाते रहते हो, यक्षिणी यक्षिणी यक्षिणी, यक्षिणी नाम की कोई चीज नहीं होती है, समझे तुम? ये बस अफवाह है और कुछ नहीं। चार्ली मायूस होकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। वर्चस्विनी कहती है, अब खड़े क्या हो, जिप्सी निकालो, हमें अभी युग के घर चलना है। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, युग के घर चलना है, पर क्यों मैडम जी? वर्चस्विनी उसके टेबल पर रखी रतनपाली के केस की फाइल के पेजेस पलटाते हुए कहती है, रतनपाली के केस के सिलसिले में। चार्ली बिचकते हुए कहता है, केस के सिलसिले में? मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी, ये जो रतनपाली वाला केस है उससे तो युग का कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर हम उससे मिलने के लिए क्यों जाएं? वर्चस्विनी फाइल को वापस से बंद करते हुए कहती है, लेना देना है चार्ली, पहले तुम जिप्सी तो निकालो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताती हूँ कि युग का कैसे इस केस से लेना देना है। चार्ली बिना कोई सवाल किए जिप्सी की चाबी लेकर बाहर चला जाता है। वर्चस्विनी भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग अभी भी बेहोश था, उसे होश नहीं आया था। अभिमन्यु, कायर और कछुआ उसके पास ही बैठे हुए थे। अभिमन्यु ने वो पेंटिंग टेबल पर टाइपराइटर के पास ही रख दी थी जो वो रूम नंबर 666 के अंदर से लाया था। कछुआ बार बार उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था और डर रहा था। उसे उस पेंटिंग से बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पेंटिंग भी जादुई है, टाइपराइटर की तरह। कछुआ उस पेंटिंग को देख कांपते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ये पेंटिंग को बाहर क्यों लेकर आ गया, अंदर ही रहने देता ना। अभिमन्यु भी पेंटिंग को देखते हुए जवाब देता है, यार जब हम कमरे में घुसे थे ना तो युग इस पेंटिंग पर लेटा हुआ था,
मुझे लगा उसके कुछ काम की होगी इसलिए ले आया। कछुआ डरते हुए कहता है, तुझे कहाँ ये पेंटिंग कुछ काम की दिख रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पेंटिंग के अंदर क्या बना हुआ है। कायर बीच में टांग अड़ाते हुए कहता है, कछुए ये आर्ट है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। आर्ट को समझने के लिए आर्टिस्ट वाली नजरें चाहिए जो तेरे पास नहीं है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तेरे पास तो है ना आर्टिस्ट वाली नजरें, तो तू ही बता दे कि क्या है इस पेंटिंग के अंदर। कायर पेंटिंग के पास जाता है और उसे नजदीक से देखकर अपना सिर खुजाने लग जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पेंटिंग के अंदर क्या था। वो पूरी पेंटिंग एक मॉडर्न आर्ट थी जिसे समझना मुश्किल था। एक आर्टिस्ट ही बता सकता था कि आखिर उसमें क्या बनाया था। कछुआ डरते हुए कहता है, यार मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, हमें इस पेंटिंग को वापस से उस कमरे के अंदर रखकर आ जाना चाहिए। कछुआ अपने हाथ से टाइपराइटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम लोग उस कमरे के अंदर से ये टाइपराइटर लेकर आए थे जिसमें वो मौतों की स्क्रिप्ट टाइप होती है, और अब तुम लोग ये पेंटिंग लेकर आए हो। पता नहीं इस पेंटिंग से क्या नई आफत आने वाली है। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कछुए, तू बेवजह डर रहा है, ये बस एक नॉर्मल पेंटिंग है और कुछ नहीं। और हाँ, यदि तुझे इतनी जिद है पेंटिंग अंदर रखने की तो तू खुद रख कर आ जा, हम तो वापस रख कर नहीं आने वाले। कायर ने कछुए के सामने जानबूझकर ये शर्त रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि कछुआ कभी गलती से भी वो पेंटिंग कमरे के अंदर रखने नहीं जाएगा। अभिमन्यु टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, यार छोड़ ना कायर, क्यों तू कछुए के मजे ले रहा है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कायर तू तो ये बता कि जब दरवाजा नहीं खुल रहा था तो तूने वो जेब में से क्या निकाला था जिसे दरवाजे पर छिड़कते ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया था। कायर अपनी जेब में से वही कांच की छोटी सी बोतल निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, ये होली वाटर है। कछुआ फटाक से बोल पड़ता है, होली वाटर मतलब होली में खेलने वाला पानी, पर होली आने में तो अभी बहुत वक्त है, तू अभी से होली वाटर लेकर क्यों घूम रहा है? और इसमें तो रंग भी नहीं डाला था तूने, ये कैसा होली वाटर था? कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, अबे कछुए ये वो वाला होली वाटर नहीं है जिससे होली में खेला जाता है। कछुआ बिचकते हुए कहता है, फिर कौन सा होली वाटर है? कायर कछुए को अच्छे से समझाते हुए कहता है, ये वो होली वाटर है जिससे बुरी शक्तियों से बचा जाता है। होली वाटर मतलब पवित्र जल। हमारे क्रिश्चियन धर्म में होली वाटर का बहुत महत्व होता है। कहते हैं जिसके ऊपर बुरी आत्मा का साया होता है, अगर उसके ऊपर होली वाटर डाल दिया जाए तो उस पर से उस बुरी आत्मा का प्रभाव कम हो जाता है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अच्छा वो जैसे फिल्मों में होता है। कायर कुछ कहता है उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में ही नहीं कायर, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और कई धर्मों में जल को सबसे पवित्र माना गया है। कहते हैं कि इंसान की आत्मा जल की तरह पवित्र होनी चाहिए, तभी वो स्वर्ग जा सकती है। इस दुनिया में सबसे पवित्र कोई चीज है तो वो जल ही है, तभी तो गंगा में स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कायर से पूछता है, पर मैंने देखा था जब तूने दरवाजे के ऊपर होली वाटर फेंका था तो कुछ इंग्लिश में फुसफुसा रहा था, तू क्या बोल रहा था उस वक्त? कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं बोल रहा था कि मे द लॉर्ड ब्लेस एंड प्रोटेक्ट दिस हाउस, मे ही कीप यू हियर इन द पीस एंड हिज ग्रेस, डिफेंड यू फ्रॉम द एविल वन एंड फ्रॉम ऑल डेंजर, सेंड हिज होली एंजल्स टू प्रोटेक्ट यू इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। यही बोला जाता है। अभिमन्यु आश्चर्य से कहता है, ये सब तुझे कैसे पता? कायर हंसते हुए जवाब देता है, ये सब मुझे पता नहीं होगा तो क्या तुम लोगों को होगा? तुम दोनों क्यों भूल जाते हो कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ? मेरा असली नाम कैरब जॉर्ज है, मैं जिस चर्च में जाता था ना पहले, वहाँ के फादर ने मुझे ये सब बताया था। अभी कायर ने अभिमन्यु के सवाल का जवाब दिया ही था कि कछुआ फिर कायर से एक और सवाल करता है, ये सब तो ठीक है, तू तो ये बता कि तू इस होली वाटर को कब से अपने साथ लेकर घूम रहा है? तुझे क्या पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? कायर अपने चारों तरफ कमरे को देखते हुए कहता है, नहीं यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर मुझे ये जरूर पता था कि ग्रेवयार्ड कोठी में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जब से रतन अंकल की मौत हुई मैं तभी से अपनी जेब में होली वाटर लेकर घूमने लग गया था, ये सोचकर कि क्या पता इसकी जरूरत कब पड़ जाए, और देखो जरूरत पड़ ही गई ना। कायर कछुआ और अभिमन्यु आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी युग के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, यामिनी यामिनी यामिनी। अभिमन्यु युग की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है इसे होश आ रहा है, जरा देखो तो कहता है कि मैं यामिनी से प्यार नहीं करता और अभी भी उसी का नाम बड़बड़ा रहा है।
अब इसे कौन बताए कि इसी को प्यार कहते हैं। युग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो दूसरे वाले रूम के अंदर था ना। कछुआ झट से बोल पड़ता है, अरे हम लोग लेकर आए हैं तुझे उस मनहूस कमरे के अंदर से। अभिमन्यु युग पर चिल्लाते हुए कहता है, ये बता तू उस कमरे के अंदर क्यों गया था? तुझे पता था ना उस कमरे के अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था? उसके अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। युग अभिमन्यु कायर और कछुए को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो रूम नंबर 666 के अंदर गया था और वहां पर उसके साथ क्या हुआ था। कायर अपने हाथ से टेबल पर रखी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मतलब वो पेंटिंग जो तेरे पास से मिली थी उसे तेरी मॉम ने बनाया था? युग हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, पर उस पेंटिंग में बना क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। युग असमंजस में जवाब देता है, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मुझे भी वो पेंटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आई। अभिमन्यु अपनी गलती पर पछतावा करते हुए कहता है, सॉरी यार हमें माफ कर दे। युग हैरानी के साथ पूछता है, सॉरी पर किस चीज के लिए? अभिमन्यु जवाब देता है, सॉरी इसलिए क्योंकि कल रात हम तुझसे नाराज थे इसलिए ग्रेवयार्ड कोठी नहीं आए थे। अगर हम आ जाते तो तू ना अपने आप को अकेला महसूस करता और ना ही तुझे आंटी जी की याद आती, ना ही तू रूम नंबर 666 के अंदर जाता और ना ही बेहोश होकर रात भर वहां पर पड़ा रहता। युग नरमी के साथ कहता है, नहीं यार गलती मेरी ही है, मुझे उस बात के लिए इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अभिमन्यु युग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बिंदु के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, युग युग। कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये तो बिंदु की आवाज है पर वो यहाँ पर? इतना कहकर कायर बिस्तर पर से उठता है और कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। कायर के पीछे पीछे ही सब लोग कमरे से बाहर निकलने लग जाते हैं। जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हॉल में बिंदु खड़ी हुई थी जो कि युग को बार बार पुकारे जा रही थी। बिंदु बहुत घबराई और डरी हुई लग रही थी। कायर बिंदु के दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ बिंदु, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? बिंदु इतनी डरी हुई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो बस घबराए जा रही थी। कायर बिंदु की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, बिंदु घबरा मत, आराम से बता हुआ क्या है, आखिर क्या बात है? बिंदु हकलाते हुए कहती है, वो कायर गांव वालों में युग को लेकर बहुत बहुत गुस्सा है। रतनपाली और मोहित की मौत का जिम्मेदार सब युग को ही मान रहे हैं। अभिमन्यु बिंदु को बीच में टोकते हुए कहता है, सब जिम्मेदार युग को मान रहे हैं पर क्यों? बिंदु पहले लंबी लंबी सांस लेती है फिर जवाब देती है, वो इसलिए क्योंकि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा युग ने खोला है और उसी के बाद से यक्षिणी ने शिकार करना शुरू किया है। सबका कहना यह है कि ना ही युग ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलता ना ही यक्षिणी फिर से शिकार करती, इसलिए दोनों गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि युग को रोंग का मुचा और बंगला मुडा गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे, उनके बाप का राज चलता है क्या? बिंदु कहती है, बाप का चलता है तभी तो ये फैसला लिया गया है। ये फैसला और किसी की अनुमति से नहीं बल्कि युग के बड़े पापा दिलीप अंकल की अनुमति से लिया गया है। इसलिए मैं युग तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम गलती से भी गांव मत जाना वरना पता नहीं क्या होगा। युग गुस्से के साथ कहता है, अरे ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे गांव जाने से, आखिर मेरा भी गांव है, और रही बात बड़े पापा की तो उन्हें तो मैं देख लूंगा। बिंदु युग को अच्छे से समझाते हुए कहती है, युग प्लीज मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि कुछ दिनों तक गांव मत जाओ, जब मामला शांत हो जाए तब भले ही चले जाना। एक और बात, कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अब और क्या बचा है बताने के लिए? बिंदु डरते हुए कहती है, जब मैं रोंका मुचा गांव गई थी तो मैंने देखा था कि वहां घाट पर किसी की चिता जली हुई थी। कायर हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, चिता जली हुई थी, वो भी घाट पर? किसकी, और घाट पर कौन चिता जलाता है? चिता जलाने के लिए तो गांव में शमशान बनाए गए हैं ना। बिंदु कायर के सारे सवालों का जवाब देते हुए कहती है, वही तो कायर मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो चिता किसकी थी, रोंका मुचा गांव में तो किसी की एक दो दिन पहले मौत नहीं हुई, फिर वो चिता किसकी हो सकती है? और हैरान करने वाली बात यह है कि गांव का कोई भी आदमी उस चिता के बारे में नहीं जानता है। सबका कहना यही है कि रात ही रात वो चिता वहां पर आ गई जिसे कोई जलाकर चले गया। बिंदु की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे, कोई सोच तक नहीं पा रहा था कि कोई ऐसी हरकत कर सकता है। बिंदु हिचकिचाते हुए कहती है, कुछ गांव वालों का तो ये भी कहना है कि ये सब यक्षिणी का किया धरा है। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी का? पर कैसे, वो तो मर्दों का शिकार करती है ना, वो भी उनका खून पीकर दिल निकाल कर, वो क्यों चिता जलाएगी? उसे मारना ही होगा तो अपने पुराने तरीके से मारेगी।
कोई युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है। सब लोग एक साथ एक ही जगह क्या बातें कर रहे हो? हॉल में मौजूद सब लोग जब दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। उन दोनों को अचानक वहां पर देखकर युग के सभी दोस्त दंग रह गए थे। किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चार्ली और वर्चस्विनी वहां पर क्यों आए थे। वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए कहती है, आओ चार्ली। चार्ली दरवाजे के बाहर खड़े रहकर ही डरते हुए कहता है, मैडम जी उन लोगों को यहीं पर बुला लीजिए ना बाहर, कोठी के अंदर जाना जरूरी है क्या? वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, चार्ली तुम इतने डरपोक क्यों हो? चुपचाप अंदर आओ मेरे साथ, इट्स माय ऑर्डर, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। चार्ली को ना चाहते हुए भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसना पड़ता है। चार्ली ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, ये मैडम जी को रास्ते में मैंने कितना समझाया कि ग्रेवयार्ड कोठी जाना ठीक नहीं, ये यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, पर मैडम जी कुछ समझती नहीं, अगर उस यक्षिणी ने मुझे कुछ कर दिया तो। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसकर वर्चस्विनी और चार्ली ग्रेवयार्ड कोठी को गौर से देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आए थे। उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर कोठी पहले कभी नहीं देखी थी। युग चार्ली और वर्चस्विनी दोनों से एक साथ पूछता है, आप दोनों यहाँ पर कुछ काम है क्या? चार्ली बड़बड़ाता है, काम है तभी तो आए हैं, बिना काम के पुलिस वाले थोड़ी कहीं जाते हैं। वर्चस्विनी युग पर अपना रौब जमाते हुए पूछती है, तो बताओ युग, तुमने रतनपाली को क्यों मारा? वर्चस्विनी की बात सुनकर युग के सभी दोस्त शॉक्ड हो गए थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं भला रतन अंकल को क्यों मारूंगा? वर्चस्विनी झट से कहती है, सबूत है मेरे पास। युग डरते हुए कहता है, क्या सबूत है आपके पास? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।